हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है LIC जीवन तरुण प्लान टेबल नंबर 934। ये LIC का चिल्ड्रन प्लान है। बच्चों के लिए आप ये सेविंग्स अगर कंसीडर कर रहे हैं तो ये प्लान आप कंसीडर कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्लान है। अलग अलग तरह के मैच्योरिटी के ऑप्शंस है। डिटेल्स में हम आपसे अभी आगे शेयर करते हैं। प्लीज़ वीडियो को अच्छा पसंद आने पर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे और भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन्स मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। एलिजिबिलिटी इसमें आप देख सकते हैं, प्रीमियम पेमेंट मोड, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। पॉलिसी का टर्म 25 साल, जब तक बच्चा 25 साल का होगा ये पॉलिसी एक्टिव होगी। प्रीमियम जब तक बच्चा 20 साल का होगा आपको प्रीमियम इसका पे करना होगा। मिनिमम सम अश्योर्ड 75,000, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, जितना अंडरराइटर एक्सेप्ट करें आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और हेल्थ कंडीशन को देखते हुए। प्रीमियम वेवर बेनिफिट यस एप्लीकेबल है इन केस एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है। जो प्रपोजर है, जैसे पिता या माता इसके प्रपोजर हो सकते हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो इसका पूरा प्रीमियम वेव्ड ऑफ हो जाता है। LIC इसको पे करेगा और आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है जो आपने प्लान किया है बच्चे के लिए वो एज इट इज़ बच्चे को आगे चल के मिलेगा। मिनिमम एज 90 दिन, मैक्सिमम 12 साल, मैक्सिमम एज ऑफ मैच्योरिटी वही 25 साल, बच्चा जब 25 साल का होगा। रिस्क कवर, जब बच्चा 8 साल का हो जाए तब से रिस्क कवर स्टार्ट है, या 2 साल पॉलिसी चल चुकी हो तो 2 साल बाद से रिस्क कवर स्टार्ट है, विच एवर इज अर्लियर। प्रीमियम वेवर बेनिफिट फर्स्ट डे से एप्लीकेबल है। मैच्योरिटी बेनिफिट्स में आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल है इस पॉलिसी में। सबसे पहला ऑप्शन है नो सर्वाइवल बेनिफिट में आपको 100% सम अश्योर्ड प्लस बोनस मिलेगा इस पॉलिसी में। सेकंड ऑप्शन है 5% अगर आप लेते हैं सम अश्योर्ड का 20 साल से लेकर 24 साल तक, तो आपका जो मैच्योरिटी आएगा 25वें साल में वो आएगा 75% सम अश्योर्ड प्लस बोनस। थर्ड ऑप्शन में अगर आप 10% लेते हैं सम अश्योर्ड का हर साल, जो कि स्टार्ट होगा 20 साल से 24 साल की एज में बच्चे के, तो आपको 50% मिलेगा 25वें साल में प्लस बोनस। और फोर्थ ऑप्शन है 15% अगर आप सम अश्योर्ड लेते हैं 20 से 24 ईयर में, तो आपको 25th ईयर में जो मैच्योरिटी आएगा वो 25% ऑफ सम अश्योर्ड प्लस बोनस आएगा। इसे हम एग्जांपल एक एक एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि ये किस तरह से वर्क करते हैं चारों ऑप्शन। एक एग्जांपल लेते हैं हम, मास्टर अंकित, एज 1 ईयर, सम अश्योर्ड हमने 10 लाख का लिया है, पॉलिसी टर्म जैसे मैंने आपको बताया था 25 साल है, और प्रीमियम जब तक बच्चा 20 साल का होगा आपको प्रीमियम पे करना होगा। ईयरली प्रीमियम जो आएगा आपका चारों ऑप्शन में 45 से 48 हज़ार में आएगा। फर्स्ट ऑप्शन में कम है, सेकंड में थोड़ा सा ज़्यादा है, थर्ड में थोड़ा और ज़्यादा है, फोर्थ में थोड़ा और ज़्यादा है। मैच्योरिटी 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। किस तरह से इस पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी हम आपको 4 ऑप्शंस में शो करेंगे इस वीडियो में। ऑप्शन फर्स्ट में आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ मनी बैक नहीं लिया आपने, सीधा मैच्योरिटी ऑप्शन अगर आप लेते हैं इस एग्जांपल के अंतर्गत, तो आप देखेंगे कि आपका बोनस 10,80,000, फाइनल एडिशन 3.5 लाख, अप्रॉक्सीमेट रिटर्न अगर आप देखेंगे 24,30,000 बनता है इस पॉलिसी में। ये एग्जांपल है सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, मैच्योरिटी डिफर हो सकती है। अब हम देखेंगे सेकंड ऑप्शन में आपके पास क्या बेनिफिट्स हैं। ऑप्शन सेकंड में आप देखेंगे कि आपको मनी बैक आना शुरू होगा 5%, 10 लाख का 50,000 होता है, तो 20 साल में, 21 साल में, 22 में, 23 में, 24 में 5 साल आपको मनी बैक मिलेगा, और फिर 25वें साल आपकी जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो ये आपका मैच्योरिटी प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस इफ़ एनी उस टाइम आ रहा होगा, तो ये 21,80,000 के आसपास आपका आ सकता है, लेकिन एक्चुअल अमाउंट आपको उसी टाइम पता चलेगा, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। थर्ड ऑप्शन में आप देखेंगे जिसमें आपको 10% का सम अश्योर्ड मिलता है मनी बैक पे 20, 21, 22, 23, 24 साल में, 10 लाख का 10% 1 लाख होता है, हर साल 1 लाख रुपए आएगा, 25वें साल में आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी 19,30,000 अप्रॉक्सीमेट अमाउंट से। फोर्थ ऑप्शन में आप
आपको 15% ऑफ सम अश्योर्ड का मनी बैक है, 10 लाख का 15% 1,50,000 होता है, 20, 21, 22, 23, 24 पाँच साल आपको मनी बैक मिलेगा, 25 साल का जब बच्चा आपका हो जाएगा तो 16,80,000 अप्रॉक्सीमेट आपका मैच्योरिटी इसमें आ सकता है, जिसमें आपका बोनस और फाइनल एडिशन बोनस इफ़ एनी ऐड होगा। आप देखेंगे दोस्तों, पहले जिसमें आपने मनी बैक नहीं लिया था उसमें मैच्योरिटी ज़्यादा थी, जिसमें सेकंड ऑप्शन में मनी बैक आपने 5% लिया था मैच्योरिटी थोड़ी और कम हुई, 10% लिया तो थोड़ी और कम हुई, और इस ऑप्शन में मैच्योरिटी कम है क्योंकि आप पहले ही मनी बैक इसमें ले लेते हैं ज़्यादा अमाउंट का। इसलिए आप अपनी सुविधा अनुसार जो आपका प्लानिंग हो उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पॉलिसी आपको ये ऑप्शन देती है कि आप अपने सुविधा अनुसार प्लान कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा आप मनी बैक या टोटल मैच्योरिटी ले सकते हैं। लास्ट में आप जो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं आपको सेक्शन अंडर 80C में प्रीमियम का टैक्स रिबेट मिलेगा, मैच्योरिटी जो आएगा वो भी आपका टैक्स फ्री होगा। आपकी नॉलेज के लिए एक इन्फॉर्मेशन और बताना चाहूँगा, 1 अप्रैल 2023 से 5 लाख के ऊपर के प्रीमियम पे आपको टैक्स पे करना होगा, मैच्योरिटी भी टैक्सेबल होगी। आज की डेट पे ये जो मैंने वीडियो अपलोड किया है 29 मार्च आज की डेट पे ये एप्लीकेबल नहीं है। वीडियो के पसंद आने पे प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने ग्रुप्स में भी आप शेयर करिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं तो फर्दर जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप यहाँ पर अपलोड करेंगे आपके पास इसका नोटिफिकेशंस आता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।